أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم الأعداء إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو چھٹیوں سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں چل رہی تھی, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں چل رہی تھی. ہم گزشتہ گفتگو کو ایک مختصراً اس کا خلاصہ کر دیں اور بات جو ہے وہ آگے بڑھائیں. یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی, آیت نمبر 106 اور 107 کے بظاہر دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا. نسخ کو ہم نے پچھلی مرتبہ کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ نسخ, دیکھیں اس کو مختصراً پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ یہ آیت در حقیقت یہودیوں کے, چونکہ ہمارے اگر آپ کو گزشتہ گفتگو یاد ہو تو چونکہ ساری گفتگو یہ جو آیات مسلسل چلے آ رہی ہیں یہ بنی اسرائیل کی خراب کاریاں, نافرمانیاں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت میں یہ آیتیں چل رہی ہیں. یہ آیتیں جو ہے وہ یہودیوں کی مذمت میں, جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں اس زمانے کے یہودیوں کی مذمت میں یہ آیت ہے, اور یہ آیت بھی در حقیقت یہ آیت بھی یہودیوں کے مذمت میں اور ان کے جو تانے بانے ہیں اس میں, اس سے متعلق یہ آیت ہے کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے مخالفت میں اور ان کا ایک نعرہ اور سلوگن اور شعار اور تبلیغات, پریچنگ مسلمانوں کے اگینسٹ میں, کہ مسلمانوں کا قبلہ تو یہی ہے, یہودیوں والا قبلہ ہے, اور اسی وجہ سے تمہارا رسول بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں آ کر بیان کریں گے کہ خانہ کعبہ کی طرف حکم آیا
रुक करके नमाज पढ़ने का, तो यहाँ पर यहूदियों को यानी पहले ताना था इस बात का कि तुम्हारा किबला भी हमारा वाला किबला है, तो तुम हमारे किबले की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हो। और जब सूरह बकरा आयत नंबर 144 में आकर किबले के तब्दीली का हुक्म आया, तो इन्होंने नया शेयर पैदा कर दिया, नई प्रीचिंग शुरू कर दी, नई मुखालफत शुरू कर दी मुसलमानों की। और इस तरीके से कि अगर किबला अव्वल पहला किबला सही था तो दूसरे किबले की क्या ज़रूरत थी। ये बैतुल मुकद्दस भी खुदा का हुक्म था, शरीयत हज़रत मूसा में था, तो अगर पहला किबला अगर दुरुस्त था तो दूसरे किबले और दूसरे हुक्म की क्या ज़रूरत है। और अगर दूसरा दुरुस्त था तो इसका मतलब कि पहली सारी नमाजें तुम लोग की भी बातिल है और खुदा का हुक्म भी गलत हो गया। तो कुरान जो है वो मोमिनीन के दिलों को तसल्ली देने के लिए ये आयत नाजिल हुई कि मा ननसिखु मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैर मिन्हा औ मिस्लिहा, के इसी को नस्ख कहते हैं। नस्ख को जिसको हमने पिछली दफ़ा डिटेल से बयान किया कि कोई भी खुदा की शरीयत हुक्म को तब्दील करना ये जो है वो नस्ख है, सही है ना। यानी खुदावंद मुताल ने एक हुक्म लगाया, मसलन पहले हुक्म था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, तो ये हुक्म बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करना ये हुक्म मनसूख हो गया। बैतुल मुकद्दस का जो हुक्म था वो मनसूख हो गया, और बैतुल मुकद्दस का हुक्म मनसूख हो गया, और तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके जो नमाज थी वो हुक्म मनसूख हो गया, उसको मनसूख कहेंगे। और नासिख किसे कहेंगे, नासिख किसे कहेंगे, ये जो जदीद हुक्म आया खाने काबा की तरफ रुक करके खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना, ये जो जदीद हुक्म आया ये नासिख है। नासिख यानी तोड़ने वाला, तो नासिख हुक्म ने खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो ये हुक्म नासिख है, नस्ख कर देता है, बातिल कर देता है उस पहले वाले हुक्म को, सही। खूब कह रही है कि वो पानी में बच्चे पानी में खेलो। और गुज़िश्ता गुफ्तगू जो है वो उसमें हमने बयान किया था कि नस्ख के ऊपर जो एतराज़ बुनियादी तौर पर एक एतराज़ बनता है उसको हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बयान किया था, जो यहूदी भी जो एतराज़ करते हैं कि नस्ख में दो हम माशरे में भी जो रूल्स चेंज होते हैं, जो कवानीन चेंज होते हैं हुकूमत के, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात जहालत की वजह से है और बाज़ औक़ात जहालत वजह नहीं है,
बल्कि माहौल का तकाजा ये है कि उस वक्त ये रूल होना चाहिए और अब ये रूल होना चाहिए। उस वक्त का माहौल का तकाजा ये था कि माशरे का तकाजा, लोगों की मैंटेलिटी का तकाजा ये था कि ये रूल होना चाहिए और अब ये रूल होना चाहिए। तो खुदावंद मुताल के यहाँ भी जो खुदावंद मुताल एक हुक्म को नस्ख करता है, तो नौजुबिल्ला में जालिक जहालत वजह नहीं है कि खुदा को इसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम नहीं थे, इसके नताइज बुरे नताइज मालूम नहीं थे, इसके रिजल्ट्स मालूम नहीं थे, इसके नुकसान मालूम नहीं थे। अब खुदा को एहसास हो रहा है नौजुबिल्ला में जालिक कि नहीं, इसके तो नताइज बुरे हैं। तो खुदावंद मुताल अपने उस पहले हुक्म को चेंज करता है। ये बंदगान खुदा और इंसानों की निस्बत ये बात दुरुस्त है कि इंसान जब कोई कानून बनाता है, रूल बनाता है, तो वहाँ पर जो वो इंसान को नहीं मालूम था कि इसके ये रिज़ल्ट निकलेंगे, ये नताइज निकलेंगे, तो बाद में वो एहसास करता है और उसको चेंज कर देता है या उसको एडिट कर देता है, अमेंडमेंट उसमें कर देता है, वो जहालत की वजह से है। खुदावंद मुताल यहाँ पर जहालत की वजह से चेंज नहीं करता है, बल्कि हालात का तकाजा ये था कि अभी ये हुक्म होना चाहिए। अब हालात का तकाजा तब्दील हो गया और हालात का तकाजा ये कि अब जब ये हुक्म बनाया जा रहा है तो मुकल्लफीन और खुदा की मखलूकात के लिए इसमें मसलहत है। पहले उसमें मसलहत थी, अब इसमें मसलहत है। ये नस्ख का ख़ुलासा हमने आपकी खिदमत में बयान किया। लिहाजा जो यहूदी एतराज़ करते थे, जो ज़ाहिरन बयान किया कि इसके शान नज़ूल में कि ये आयत इसलिए नाजिल हुई है कि यहूदी एतराज़ करते थे, तो उसके जवाब में उसको बयान किया। अच्छा, मुसलमानों ने जो है वो 13 साल यानि तकरीबन जो है वो 12 साल, तवज्जो करें, 12 साल वहाँ पर मक्के में बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी और 16 महीने जो है 16 मंथ्स जो है वो मदीने में आकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी। तो तकरीबन टोटल जो वो 13 साल ऐलान नबूवत की 13 साल बाद जो कोई ये हुक्म तब्दीली का आया हो। ये एक नस्ख की हुक्म मिसाल है। नस्ख की एक और मिसाल क्या है? नस्ख की एक और मिसाल जो बयान की जाती है सूरह निसा की आयत नंबर 15 में, वो औरत कि जो बदफेली अंजाम देती है और 4 गवाह कायम हो जाए तो उसमें हब्स अबदी, हमेशा हमेशा के लिए जो उसे घर में बंद कर दो। और सूरह नूर की आयत नंबर 2 में ये हुक्म नस्ख हो गया और बयान किया कि उसे 100 ताजियाने मारे जाए, 100 कोड़े मारे जाए, 100 कोड़े मारे जाए, ये हुक्म मनसूख हो गया। तो जो फरमाया आपने, अच्छा एक नुक्ता यहाँ पर नुक्ता बयान कर दें, मनसूख जो अहकामात मनसूख होते हैं या शरीयत साबिका मनसूख हो गई, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खुदा पूरे दीन को तब्दील कर देता है। नहीं, मसलन तौहीद के अकीदा या इज्तिमाई अदालत, जुल्म की हुरमत और जुल्म की मजम्मत, हत्ता मसलन उम्मत साबिका में नमाज का हुक्म था, रोज़े का हुक्म था एक हद तक, हज का हुक्म था,
तो ऐसा नहीं है कि जो है वो सारे के सारे पूरी की पूरी शरीयत जो है वो तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये यहूदी जो है वो मशहूर मारूफ ये है कि यहूदी जो कि नस्ख के मुनकिर थे, जबकि खुद उनकी तौरात में नस्ख के लिए मुतअद्दिद मिसालें मिलती हैं, जैसे तो जो आज की तौरात है उसमें जो मौजूद है वो ये है कि जब हज़रत नूह जब कश्ती से उतरे थे तो सारे के सारे हैवानात हलाल गोश्त थे, लेकिन हज़रत मूसा की शरीयत ने आकर इसको मनसूख कर दिया और बाज़ को हराम गोश्त बना दिया और बाज़ को हलाल गोश्त बना दिया। ये इस तरीके से बयान किया जाता है। या जैसे नस्ख की ये भी एक मिसाल देते हैं कि पहले हज़रत इब्राहिम को हज़रत ईसा सॉरी हज़रत इब्राहिम को हज़रत इस्माईल को ज़िबा करने का हुक्म था, बाद में खुदावंद मुताला ने यह हुक्म मनसूख कर दिया। इसको भी नस्ख में बयान किया जाता है। अब ये नस्ख है या बदा है ये बहरहाल एक काबिल तवज्जो गुफ्तगु है, क्या ये नस्ख की कैटेगरी में जाएगा या बदा की कैटेगरी में जाएगा। अब ये बाज़ मुफस्सरीन ने ये भी एग्जांपल दी है नस्ख के लिए। अच्छा, आयत में क्या आया है? आयत में आयत में क्या है कि मा ननसख मिन आयतिन, 106 सूरह बकरा की आयत में आया है मा ननसख मिन आयतिन। आयत जो है वो गुज़िश्ता उसमें भी हमने बयान किया था कि आयत जो है वो कुरान में मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हुई है। एक दफ़ा तो कुरान की आयतों को आयत कहा जाता है, कुरान की आयतों को आयत कहा जाता है, लेकिन निशानी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 252, तिलका आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिलहक्के, कि ये अल्लाह की निशानियां हैं कि जिसको हमने आपके लिए तिलावत की हक के साथ। मोजिज़े के लिए भी आयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मोजिज़े को भी आयत का है, जैसे सूरह ताहा की आयत नंबर 22 में जहाँ पर हज़रत मूसा का हथेली से जो है वो सफ़ेद नूर का निकलना, सफ़ेद रोशनी का निकलना, ये इसको भी इस मोजीज़े को भी आयत कहा है। इसी तरह कयामत की निशानियों को भी आयत कहा है। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये जितनी भी आयतें आई हैं ये सब निशानी और अलामत के लिए है, निशानी और अलामत के लिए है। हत्ता कुरान की आयत को भी आयत कहा जाता है, तो ये भी मुमकिन है निशानी और अलामत के लिए इस्तेमाल होता हो। लेकिन जैसा कि हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बयान किया था कि यहाँ पर चूँकि अल्लामा तबातबाई ज़ाहिरन जो है वो यहाँ पर आयत से मुराद जो है वो आलम कौन व मकान में जो अल्लाह की निशानियाँ हैं उन निशानियों को की तफसीर करते हैं, लेकिन बेहसब ज़ाहिर और
बाज़ दूसरी तफासिर भी हमने देखी, उन्होंने भी यही बात कही है कि ये बात दुरुस्त नहीं है और आयत जो है वो यहाँ पर उसी मानों में है जो कुरान की आयत मुराद है। और वैसे भी नस्ख जो है वो खुदावंद मुताल, क्योंकि आलम कौन व मकान में तब्दीली होना ये बदा है, ये आलम कौन व मकान में तब्दीली ये बदा है, या बदा कहें या तब्दीली तकवीन में आलम कौन व मकान में तब्दीली है, सही ना। लेकिन हुक्म में तब्दीली होना, शरीयत में तब्दीली होना, जो आयत में कुरान की आयतों में तब्दीलियां हैं, खुदा के अहकाम में जो तब्दीली है, ये जो है वो नस्ख इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए नस्ख जो इस्तेमाल किया जाता है वो शरीयत की तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा यहाँ पर जो कुरान की जो कुरान में जो आयत का लफ्ज़ आया है कि मा ननसख मिन आयतिन, ये आयत से मुराद जो कि वो क्या मुराद है, वो आलम कौन व मकान और खुदा की जो आसमानों और ज़मीनों में जो अल्लाह की निशानी है वो मुराद नहीं है, बल्कि खुदा की शरीयत, खुदा का हुक्म जो आयत की शक्ल में आया है वो नस्ख करने के बारे में कुरान कह रहा है। औ नुनसीहा, नुनसी जो है वो, चूँकि ये नुनसी जो है वो इसका जो माना है इंसा करना यानी फरामोश करवा देना, यानी हमने किसी आयत को नस्ख नहीं किया है और ना हमने किसी आयत को भुलवाया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मगर नस्ख किया है या भुलवाया है तो या तो आयत जो इससे बेहतर हो या इसकी मानिंद हो, यूँ इस आयत का तर्जुमा हो जाएगा। तो नुन से हाँ एक माना जो वो इसको भुलवा देने का है, एक माना इसको ये कि छोड़ देना, तर्क कर देना, जिस पर हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में तफसील से गुफ्तगू की थी कि अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ पर नुन से हाँ का तर्जुमा जो को तर्क करने को किया है, अगरचे रिवायतों में यहाँ पर निसियान ही मानों में है, भुलवा देने के मानों में ये आयत है, बस रिवायतों में ये बयान किया गया कि हमने भुलवा दिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक से, कि बाज़ मुफस्सिरीन ने आकर कहा कि ये आयत एक जनरल रूल बयान कर रही है, बाकायदा ऐसा नहीं है कि खुदा ने मुताल ने रसूल को कोई चीज़ फरामोश करवाई हो। यानी क्या तवज्जो करें, आयत क्या बनती है, ज़रा दोबारा से आयत को देखें, आयत का तर्जुमा देखें कि मा ननसखो मिन आयतिन औ नुनसिहा नातिब खैर मिनहा औ मिस्लिहा, कि कोई हुक्म को हमने नस्ख नहीं किया या कोई हुक्म हमने नहीं भुलवाया, मगर ये कि उससे बेहतर आयत को लेकर आए या उसकी मानिंद आयत को लेकर आए, कोई हुक्म हमने नस्ख नहीं किया या कोई हुक्म, अगर हम नुनसे का माना भुलवा देने का करें, वरना अक्सर जो इसका तर्जुमा करते हैं वो छोड़ देने के, बल्कि ताखीर, क्योंकि इंसा ताखीर के लिए भी आता है, ताखीर के लिए भी लेट कर देना, कि हमने किसी नस्ख के हुक्म को ताखीर नहीं किया है, मगर ये कि उसके मानिंद किसी आयत को लेकर आए हैं या उसकी मानिंद को लेकर आए हैं। अब ये जो बाज़ लोगों ने कहा कि ये आयत जो वो बयान नहीं कर रही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुलाया, अगर भुलवाने का माना हो, नहीं, ये आयत तो बयान कर रही है, वाज़े बयान कर रही है। देखें वापस से जो आप लोगों के पास तर्जुमा है उसको भी देखें कि आयत क्या कह रही है, कि हमने किसी हुक्म को मनसूख नहीं किया या किसी आयत को फरामोश नहीं करवाया, मगर ये कि हमने करवाया है, मगर ये कि हमने
या उससे बेहतर आयत को लेकर आए हैं या उसकी मानिंद आयत को लेकर आए हैं। तो किया आपने, तो ये जो बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये फ़कत व फ़कत आयत इस तरीके से है, वो तवज्जो करें, एक आयत को हम कहेंगे जिसको बेउनवान मिसाल कुरान बयान कर रहा है, जैसे लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, कि अगर आपने शिर्क किया तो आपके सारे अमाल हब्त हो जाएंगे। तो ये अगर है, अगर ऐसा हुआ तो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो कुरान बयान कर रहा है कि हमने किसी भी आयत को नस्ख नहीं किया, किसी भी आयत को नहीं भुलवाया, मगर ये कि उससे बेहतर या उसकी मानिंद आयत को लेकर आए हैं। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने नुनसिहा का मतलब ताखीर का माना किया है, कि हमने किसी आयत को नस्ख नहीं किया है या किसी आयत के ताखीर को, किसी आयत के नस्ख को ताखीर नहीं किया। खूब तवज्जो करें, मा ननसखु मिन आयतिन, हमने किसी आयत को नस्ख नहीं किया या किसी आयत के हुक्म को ताखीर में नहीं डाला। तवज्जो किया तर्जुमा, किसी हुक्म के, किसी आयत के नस्ख को हमने ताखीर में नहीं डाला। खूब, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों तर्जुमे वाज़े हो गए होंगे। और जैसा कि हमने कहा आपकी खिदमत में कि रिवायत में जो है वो इशारा मिलता है भुलवा देने वाला माना, ताखीर वाला माना नहीं मिलता है रिवायतों में। अब यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि तवज्जो करें कि एक सवाल पैदा होता है, क्या कहा कुरान ने, कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा कि हम किसी आयत को, तवज्जो करें, कुरान क्या कह रहा है? खूब तवज्जो करें कि कुरान क्या कह रहा है कि कुरान क्या कह रहे हैं कि कुरान क्या कह रहा है कि हमने किसी आयत को नस्ख नहीं किया, मगर ये कि उससे बेहतर आयत को लेकर आए या उसकी मानिंद आयत को लेकर आए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या सवाल पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसी की तरह की दूसरी आयत, उसी की मानिंद, बेहतर का मतलब क्या है? अब तवज्जो करें, बेहतर का मतलब क्या है कि खैर मिन्हा, उसे बेहतर को लेकर आए। यानि क्या मतलब हुआ, बेहतर का मतलब क्या हो गया? बेहतर का मतलब कि पहले मसलहत और बेनिफिट्स कम थे, अब बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, सही। और या उसकी मानिंद आयत को लेकर आए, या दोनों के सेम बेनिफिट्स हैं। अब दोनों में इश्काल पैदा होता है, अगरचे तफसीर नमूना ने फ़कत एक तरफ को इश्काल को बयान किया है, लेकिन दोनों तरफ में इश्काल, एक एक इश्काल आता है। उससे बेहतर लेकर आए तो एक इश्काल लाजिम आता है, उसके मानिंद लेकर आए तो एक इश्काल लाजिम आता है। खूब तवज्जो करें, सवाल ये कि अगर बेहतर लेकर आए तो सवाल ये कि खुदावंद मुताल पहले बेहतर क्यों नहीं लेकर आया? पहले के लोगों के लिए क्या बेहतरी ज़रूरी नहीं थी? अगर बेहतर को लेकर आया, अगर उसके मानिंद को लेकर आया, तो फिर तब्दीली करने की क्या जरूरत थी? सही ना? तो ये दो तफसीर नमूना ने फकत एक इश्काल को बयान किया है कि उसके मानिंद अगर लेकर आए हैं तो तब्दीली की क्या जरूरत थी। तो इसका जवाब तो आसान है, इसका जवाब क्यों आसान है? खूब तवज्जो करें, उसके मानिंद
मिसाल दूं मैं आपको कि मिसाल के तौर पहले एक हुक्म आया जिसके 80% बेनिफिट्स थे आवाम को, अब हालात तब्दील होने की वजह से हुकूमत को कानून चेंज करना पड़ा, इसके बेनिफिट भी 80% है, तो सेम हो गया ना, जवाब मिल गया। एक कानून था जिसके बेनिफिट्स आवाम को 80% मिल रहे थे, हालात चेंज होने की वजह से हुक्म को तब्दील करना पड़ा, अब उसी की मानिंद एक और हुक्म बनाया जिसके बेनिफिट्स 80% आवाम को मिल रहे हैं, तो फायदा ये हुआ कि अब वो हुक्म पुराना वाला नहीं चल सकता था, वरना जो बेनिफिट्स मुमकिन 10% मिलते हैं। तो जो किया आपने हो, चूंकि बेनिफिट्स यहां पे सेम बेनिफिट्स है, इसलिए कुरान क्या कह रहा है कि उसी की मानिंद आयत को लेकर आए, हुक्म को लेकर आए कि जिसके बेनिफिट्स बराबर है। लेकिन कभी आयत क्या कह रही है, कभी आयत कह रही है कि हम हुक्म को लेकर आते हैं जो उससे पहले वाले हुक्म से ज्यादा बेहतर है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खुदावंद मुताल ने ये हुक्म पहले नहीं बनाया। तो इसका जवाब ये है कि चूंकि आवाम की कैपेबिलिटी नहीं थी, लोगों की कैपेबिलिटी, जैसे मिसाल के तौर पर तवज्जो करें, जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आई है, तो सारे हुक्म पहले दिन से नहीं बना दिए गए हैं। क्यों? इसलिए कि आवाम में वो सलाहियत नहीं थी, आवाम में वो कैपेबिलिटी नहीं थी, आवाम में वो सलाहियत और वो जो कि वो इस्तेदाद नहीं थी कि इस हुक्म को बर्दाश्त कर सकते। तवज्जो किया आपने, बस दोनों तरफ से जो एतराज होते हैं उन दोनों का जो कि जवाब आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। खूब यहां तक अच्छा, अब इस आयत को मुकम्मल कर देते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, खूब क्या नहीं देखते तुम कि खुदावंद मुताल हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है, हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। अब आसान है इसका तर्जुमा, अलम तालम अन्नल्लाह आयत नंबर 7। चलिए आयत नंबर 7 जो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। 106 जो हमने आयत मुकम्मल कर दी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदि व आलिहि तय्यिबीन तहिरीन।